मैं हूं डॉक्टर उमर सैफ। टेलीनॉर प्रेजेंट्स जियो तो ऐसे। पाकिस्तान की आबादी 200 मिलियन लोग हैं। ये दुनिया की फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। हमसे जो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर नंबर पे मुल्क हैं, उन्होंने पिछले 20 साल में क्या वो किया जिसके ज़रिए वो बहुत ज़्यादा ग्रो किए? चाइना, जहां अलीबाबा जैसी कंपनियां इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे थे लोकल तजारत के लिए, ताकि कोई भी एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ अगर बेच रहा हो तो उनको आपस में इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट किया जाए। कॉलेज की ग्रेजुएशन के बाद मैंने भी ऐसा एक इदारा शुरू किया इस्लामाबाद में। 7 साल वो इदारा चलाया जिसमें हम पाकिस्तान से लोगों को एम्प्लॉय करके काम कराते थे, मोस्टली अमेरिकन कंपनीज के लिए, और आज तकरीबन 1500 लोग वहाँ काम कर रहे हैं। अगले 4 साल मैंने Taraz.pk के नाम से कंपनी फाउंड, आई वाज को-फाउंडर देयर और सीईओ था। तो 4 साल मैंने इंटरनेट को इस्तेमाल करने की कोशिश की कि लोगों की आपस में तजारत हो। लेकिन एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की वो ये थी कि ये मुल्क ठीक है 200 मिलियन लोगों का होगा, लेकिन एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, और वो ये प्रॉब्लम ये है कि 10% से ज़्यादा इस मुल्क में लोग अंग्रेज़ी सर्च और टाइप नहीं कर पाते डिजिटली किसी भी कीबोर्ड पे। तकरीबन ज़्यादातर लोग आज स्मार्टफोन जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंग्लिश में ही स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्लिश में ही कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिसंबर 2016 में मैंने और मेरे कुछ साथियों ने एक अहद किया कि हमने एक एप्लीकेशन बनानी है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है, इंटरनेट को इस्तेमाल करना है पाकिस्तानियों के लिए। हमने जो एक चीज़ नोटिस की कि जी मिडिल क्लास के पास सबसे ज़्यादा कौन से एसेट्स हैं, और हमने देखा 2 एसेट्स हैं उनके पास। एक उनके पास मोटर बाइक है और दूसरा स्मार्टफोन है, और ये बहुत जल्दी बढ़ते जा रही थी तादाद लोगों की जिनके पास बाइक और स्मार्टफोन। और बाइक पाकिस्तान में तकरीबन 17 मिलियन बाइक्स हैं, बहुत बाइक्स हैं। तो अगर आपने 2 पार्टियों को मिलाना है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लिए मिलाना हो एक जगह से दूसरी जगह खुद जाने के लिए, या कोई डॉक्यूमेंट या पार्सल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो, या कोई सामान आपने पहुंचाना हो उसके बस कैश वसूल करना हो, अल्टीमेटली मोटर बाइक ही इस्तेमाल हो रहे थे पाकिस्तान में। लेकिन अलमिया ये था कि इस मुल्क में अभी तक कोई बाइक टैक्सी का कल्चर नहीं था। हैरत की बात है क्योंकि हमारे अलावा जितने भी और मुल्क थे वो इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे थे अपने शहरों के अंदर तिजारत के लिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम तिजारत पे फोकस करें, क्योंकि आज तक हमारे यहाँ इंटरनेट जो इस्तेमाल हो रहा है वो चैटिंग के लिए हो रहा है, वीडियोस देखने के लिए हो रहा है, तस्वीरें देखने के लिए हो रहा है, अपने आप को खुश करने के लिए, गेमें खेलने के लिए इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि इंटरनेट का असल में अगर हम इस्तेमाल देखें तो ये ऐसी कुव्वत है जो 2 पार्टियों को आपस में मिला के हमारे रोज़गार में इजाफा ला सकती है, और यही एक कुव्वत है जो कि हर एक उस मुल्क ने, चाहे वो अमेरिका हो, हिंदुस्तान हो, इंडिया, या आप बरतानिया ले लें या इंडोनेशिया ले लें। इंडोनेशिया में जो सबसे बड़ी इंटरनेट की कंपनी है वो मोटर बाइक टैक्सी और डिलीवरी की कंपनी है। तो उसको देखे देखे हमने कहा पाकिस्तान में भी हम ऐसी चीज़ लॉन्च करें। लेकिन अलमिया ये था कि पाकिस्तान में कोई भी ऐप और कोई भी टेक्नोलॉजी उर्दू में नहीं बनाएगी। ये हैरत की बात है क्योंकि अक्सर लोग यहाँ कहते हैं कि जी हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन अजीब बात है कि किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर ने आज किसी भी बड़े पैमाने पे उर्दू में कोई ऐप ही नहीं बनाई थी। तो जब हम इस बेसिकली मकसद पे निकले कि जी हमने पाकिस्तान के शहरियों के लिए एक उर्दू में ऐप बनानी है, तो हमें अक्सर लोगों से ये रिस्पॉन्स आती थी कि नहीं, कूल नहीं है, ऐप इंग्लिश में बनाओ। और हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम इस हर्डल को किस तरह क्रॉस करें, परसेप्शन हर्डल को कैसे क्रॉस करें।
और दूसरा हम एक सर्विस कैसे शुरू करें जो कि दो लोगों को आपस में जोड़ के एक पार्टी के रोजगार में इजाफा लाए और दूसरी पार्टी को पैसे बचाने की कोई अपॉर्चुनिटी दे। उर्दू में ऐप बनाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि स्मार्टफोन जो लोग इस्तेमाल पाकिस्तान में कर रहे हैं उसमें कीबोर्ड अंग्रेजी में। तो अगर आपसे मैं कहूं कि आप कोई एंट्री करें, खयाबाने शमशीर आप डालें, तो अंग्रेजी में वो स्पेल करते करते आपको 4 मिनट लग जाएंगे। सो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स हमने की, हमने बेसिकली एक कैटलॉग बेस्ड एप्लीकेशन बनाई जिसमें हमने उर्दू में एक तरफ लिखा और दूसरी तरफ हमने अंग्रेजी में लिखा और हमने शहर के इलाके खड़े कर दिए। क्योंकि अक्सर आप किसी से रोड पे भी अगर पूछें कि जी फलानी चीज़ कौन सी मार्केट से आप ले सकते हैं, तो आपको इलाका बताएंगे या मार्केट बताएंगे, आपको स्ट्रीट नंबर नहीं बताएंगे जो कि अक्सर मैप्स पे आता है। तो हमने एक चीज़ रियलाइज़ की कि ना तो लोगों को सर्च कर पाएंगे लोग, ना तो हमें बेसिक कोई ऐसी चीज़ करनी है जिसमें लोगों को बहुत टाइपिंग करानी है, और दूसरा हमने वॉइस नोट्स का बहुत इस्तेमाल लाना है ताकि लोग आपस में अगर टाइप ना कर पाए तो वॉइस नोट के ज़रिए एक दूसरे को मैसेज पहुंचा पाए। हमने शुरू की बाइकिया, और बाइकिया इसका नाम क्यों रखा, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में बाइक्स बहुत ज़्यादा हैं और बिल आखिर हम एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाह रहे थे जिस पे लोग बाय भी कर सकें। बाय अंग्रेजी का जो लफ्ज़ है बाय, खरीदना, किया टू बाय। हम चाहते थे कि हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें दो पार्टियों को हम जोड़ सकें इनिशियली आपस में, एक जगह से एक दूसरे जगह किसी को बाइक टैक्सी की सर्विस देने के लिए और उसके अलावा डिलीवरी कराने के लिए। और अगर आप पाकिस्तान में डिलीवरी के काम में हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक्स का हो के डिस्ट्रीब्यूशन का हो के कोरियर का हो, आपने वसूल करना है कैश क्योंकि ये मुल्क चल रहा है कैश पे, तो बाय डिफॉल्ट हम पेमेंट्स की बिजनेस में भी आ गए। और हमने ये ट्रांसपोर्ट की सर्विस लाजमी सॉल्व करनी थी। लोग कहते थे क्यों सॉल्व कर रहे हो कि जी मेट्रो भी बन रही है, लाहौर में बन गई है, पिंडी इस्लामाबाद में बन गई है, पिशावर में बन रही है और कराची में बन जाएगी, लेकिन आप हैरान होंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ख़राब तो है ही है लेकिन मेट्रो में 30 मिलियन लोग हैं जी, कराची में, लाहौर में और पिंडी इस्लामाबाद में। इन 30 मिलियन लोगों को सर्व करने के लिए दो मेट्रोज अगर आप मिलाएं पिंडी इस्लामाबाद और लाहौर की, तो कुल बिल 3 लाख कस्टमर रोज के भी नहीं है। तो आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए ये ब्रिज बनाने के लिए और मेट्रोज खड़े करने के लिए, लेकिन आपकी जो यूजेज है वो 1.5-2 लाख लाहौर और पिंडी इस्लामाबाद में। तो बसों ने सॉल्व नहीं किया लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना या कुछ पहुंचाना। और वो अगर हम कोई नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते थे तो हमने सोचा सिर्फ बाइक के थ्रू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको घर से उठाएगी और काम तक लेके जाएगी, दरवाजे तक, और गली गली में निकल जाएगी। और बाइक तो पाकिस्तान में ऐसी चीज है जो कि आप 15,000 रुपए की डाउन पेमेंट डाल के एक ब्रांड न्यू बाइक खरीद सकते हैं, नहीं तो 5 साल पुरानी बाइक आपको 15,000-20,000 रुपए की मिल जाएगी। तो हर बंदा एक्सेस कर सकता है और हर बंदा अपने रोजगार में इजाफा ला सकता है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे लिए क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं था कि और बाइकें रोडों पे आए। हमारा मकसद था कि कोई भी बाइक अगर खड़ी हुई है, अगर कोई इंसान कहीं काम पे जाता है, किसी दफ्तर में जाता है या इदारे में जाता है या बेसी फैक्ट्री में जाता है, तो जो बाहर बेनतहा बाइकें खड़ी हैं वो अपने भाई या रिश्तेदार को दें ताकि जिस 8 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे वो बाइक इस्तेमाल नहीं हो रही है वो किसी के रोज़गार में इजाफा लेके आए। हमने बहुत आसान किया लोगों के लिए एक समझना कि ये सर्विस क्या है, दूसरा आपस में चैट करना, तीसरा आपस में तय करना कि जी इसका किराया क्या होगा। और आज हम इस मकाम पे हैं कि ये सर्विस कराची, पिंडी इस्लामाबाद, लाहौर में बेइंतहा इस्तेमाल हो रही है और हर महीने 30,000 से ज़्यादा लोग जो बाइक चलाते हैं उनके घरों में, उनके रोज़गार में इजाफा आया है और आ रहा है। वो रोज़ाना बाइकिया को इस्तेमाल करते हैं
150-200 रुपए के इजाफी रोजगार के लिए सिर्फ घंटे में कमाने के लिए, लेकिन उससे उनका पेट्रोल पूरा हो रहा है या घर जाते जाते कोई घर वालों के लिए कुछ लेके जा रहे हैं। तो हमारा मकसद था रोजगार पैदा करना, और इंशाल्लाह इस साल हमारा यकीन है कि हम 1,00,000 से ऊपर लोगों को हर महीने एक रोजगार का मौका देंगे। इस महंगाई के दौर में जहां गाड़ी पे सफर करना महंगे से महंगा होता जाएगा, आप देखेंगे जितने और ये टेक्नोलॉजी की कंपनियां बाहर से आई हैं, अब शुरू में तो आ गई, उन्होंने आपको लालच देने के लिए ले आए हैं, लेकिन अब किराए बढ़ाते रहेंगे, क्यों? ताकि वो नफ़े में आ सकें। और दूसरा, ये मेट्रो प्रोजेक्ट्स आपने रियलाइज़ कर लिए कि ये सॉल्व नहीं कर सकते, ये सॉल्व नहीं कर सकते 30 मिलियन की कराची, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर की आबादी में लोगों को पहुँचाना। तो इस साल हमारा इरादा यही है कि इंशाल्लाह हम इसको एक और बड़े पैमाने पे लेके जाएंगे। आज तकरीबन 2 मिलियन बुकिंग्स होती हैं बाइकिया पे एक महीने के अंदर, इंशाल्लाह हम इसको 10 गुना ज़्यादा बढ़ाएंगे। थैंक यू। ज़बरदस्त मुनी, आपने अपनी सर्विस से पाकिस्तान की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मसला भी हल किया और नौजवानों के लिए रोज़गार का ज़रिया भी बनाया। वाकई आप जैसे लोगों को हम देख कर कहते हैं कि जियो तो ऐसे, मगर ये बताइए कि खुद कभी बाइक चला लेते हैं? जी चला लेता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। और कभी ये होगा कि मैं बटन दबाऊँ बाइकिया का और आप आ जाएं मुझे बाइकिया पर ले जाने के लिए? हो सकता है कभी कभी। चलें, बहुत अच्छा, अपनी सर्विस को यूनिट टेस्ट भी करते रहें और देखें कैसी चलती है आपकी बाइकिया सर्विस, और शायद बटन दबाएं तो आप ही आ जाएं हमें के ले जाने के लिए। बहुत ज़बरदस्त। अभी कितने लोग इस्तेमाल करते हैं बाइकिया को हर रोज़? रोज़ बिटवीन 50,000 and 80,000 संडेज और थर्सडेज को मिला के 1,00,000 लोग। जी इंशाल्लाह वो भी वक्त आएगा जब लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसी सर्विसेज को इस्तेमाल करेंगे, और वो चीज़ें जो हुकूमत नहीं कर पाई, रियासत नहीं कर पाई कि अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया जाए, लोगों के लिए आसान हो, सस्ता हो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। अब आप जैसे नौजवान ऐसी सर्विसेज बनाएंगे और इंशाल्लाह सब के लिए आसानी भी पैदा होगी और रोज़गार के मौके भी। शुक्रिया, आप हमारे शो पर इंशाल्लाह वी लुक फॉरवर्ड टू योर सक्सेस। थैंक यू। जब बड़े सगीर को आज़ादी मिली तो तकरीबन 1.5 करोड़ लोग हिजरत पर मजबूर हो गए। जहां 1947 आज़ादी की नवीद लेकर आया, वहां पर लाखों मुसलमानों को पाकिस्तान हिजरत करनी पड़ी, और वो लोग अपने घर बार, अपने दोस्त, अपने कारोबार सब छोड़कर पाकिस्तान आए और कभी लौट ना सके, और अपने दोस्त, उनके कारोबार, उनके रिश्तेदार उनके लिए सिर्फ यादें बनकर रह गए। हमारी आज की मेहमान सादिया गर्देजी ने एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी की ऐनक बनाई है जिसको पहनकर ये लोग वापस अपना घर बार देख सकते हैं, और हम उनका वो दर्द, वो कुर्बानी महसूस कर सकते हैं जिससे इस मुल्क की बुनियाद रखी गई। और हम सादिया गर्देजी को देखकर कहते हैं जियो तो ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक लाहौर से है, और मेरी नानी सुनाती है मुझे कि 1947 में लाहौर आने वाले रेफ्यूजीज़ की उन्होंने FC कॉलेज के कैंप में इमदाद की। ये लोग दहशत गर्दी से बचकर लाहौर आके कॉलरा का शिकार हुए, क्योंकि इस वक्त पानी के कुओं में जहर नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट मिला दिया गया था। ऐसी कहानियाँ हर पाकिस्तानी घर की कहानियाँ हैं। जिन घरों ने हिजरत ना देखी, उन्होंने फिर भी इस नस्ल की कुर्बानियाँ देखी। हम कब तक अपने बुज़ुर्गों की ज़ुबानी ये कहानियाँ सुन सकेंगे और अपने आने वाली नस्लों को ये कहानियाँ बता सकेंगे, जबकि पार्टीशन की याद भी धुंधली पड़ती जा रही है, और बाहर के ममालिक में दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत का नामो निशान, इसकी तारीख और पाकिस्तान की बुनियाद की वजूहात भी मिटती चली जा रही हैं। इस सिलसिले में प्रोजेक्ट दास्तान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साउथ एशिया प्रोग्राम से मुंसलिक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो वर्चुअल रियलिटी के इस्तेमाल से 1947 में हिजरत करने वाली नस्लों को उनके घर, उनकी यादों से, उनके बचपन की यादों से
और उन मुआशरों से एक आखिरी मर्तबा जोड़ता है। इस नस्ल की उम्र और सियासी रुकावटों की वजह से बहुत से इंडिया और पाकिस्तान के मुहाजरीन कभी अपने बचपन का घर, अपना गांव फिर से ना देख सके। हम इन लोगों को इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू के दौरान उनसे उनकी यादों के बारे में पूछते हैं, उनके बचपन के, उनके स्कूल के बारे में पूछते हैं और उनके शहरों और गांवों के बारे में पूछते हैं। हमारी इंडिया और पाकिस्तान में टीम इसके बाद इन जगहों को ढूंढती है और उनको 360 डिग्रीज में फिल्म करती है। ये फिल्म फिर VR ग्लासेस के ज़रिए इन बुज़ुर्गों को दिखाई जाती है, जिसमें ये अपने आप को अपने बचपन के गाँव में खड़ा पाते हैं। इन लोगों के जज्बात और इन फिल्मों को फिर हम स्कूलों और म्यूजियम्स में नुमाइश करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ एक दो कहानियाँ पार्टीशन की और मिलवाना चाहूँगी बदरुद्दीन और इकबालुद्दीन से, जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और जिन्होंने इंडिया से पाकिस्तान का सफ़र किया। ये आज पाकिस्तानी कहलाते हैं और बहुत खुश हैं कि ये पाकिस्तानी हैं, लेकिन इनको अपने घर की याद अभी भी है, जिसको ये तकरीबन 70 साल में वापस ना जा सके। इकबालुद्दीन के एक दोस्त थे जो सिख थे और पार्टीशन के कुछ साल बाद तक उनका राबता रहा। उन्होंने उनको एक मस्जिद की तस्वीर भेजी, उनके गांव रूपनगर की जामिया मस्जिद थी। पिछले साल हमारी इंडिया की टीम ने वो गांव भी ढूंढ लिया और वो मस्जिद भी ढूंढ ली जिसकी इकबालुद्दीन को बहुत सालों से ख्वाहिश थी फिर से देखने की। मैं आपको मिलवाना चाहूँगी खालिद बशीर राय से, जिन्होंने कस्बा बुरहाल जैसल इंडिया से लाहौर तक का सफ़र किया। इनका ख्याल था कि इनके गाँव में इनके गाँव का निशान ही मिट चुका होगा आज तक, और यहाँ मुसलमान 1947 के हादसात के बाद फिर से आबाद ना हुए होंगे, लेकिन यहाँ मुसलमान फिर आबाद हुए और बाकी अकलियतों के साथ इनका मुआहदा हुआ अमन का, ऐसा अमन जो इंडिया के अब बड़े शहरों में मिटता जा रहा है। तो ये कहानियाँ हमारे पार्टीशन की जो हम आपको बताना चाहते हैं। आज़ादी की 75वीं सालगिरह से पहले हम चाहते हैं कि हम 75 पार्टीशन से को विटनेस करने वाले लोगों को उनका घर और गांव फिर से एक दफ़ा दिखा दें। मैंने लोगों को ये वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस पहनकर वीडियो गेम्स खेलते तो देखा है, लेकिन इस तरह से इसका इस्तेमाल कि लोगों को ये लगे कि वाकई वो किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो सिर्फ वो यादों में जिंदा रखे, ये तो बहुत ही। आप ये ट्राई करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि ये किस तरह से चलती है, तो मुझे मालूम नहीं, मैंने कभी वीडियो गेम्स भी नहीं खेली इन पर। जी, तो ये ऑलरेडी हमने ऑन की हुई आपके लिए, तो आप पहने और जो आपको पहली वीडियो नजर आती है उस पर क्लिक कर दे। वाओ, ये तो लगता है शायद मैं किसी गांव में हूँ और ये सामने शायद कोई मस्जिद है मेरा। जी, ये हमारे एक पार्टीशन विटनेस के गांव की लोकल मस्जिद है जिन्होंने तकरीबन 70 साल बाद फिर से इन ग्लासेस के जरिए देखी। ये तो वाकई लगता है जैसे मैं मस्जिद में मौजूद हूँ। साथ ही ये प्रोजेक्ट आपके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो इसको सपोर्ट कैसे करती हैं और इसको एक्सपेंड कैसे करें? जी, हमारा सपोर्ट ज़्यादातर ग्रांट्स और लोगों की डोनेशन से आता है। आप तो हम इस तरह इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें और इन डोनेशंस की हमें और भी ज़रूरत है, और इसके अलावा हमें और पार्टीशन की कहानियों की ज़रूरत है और हमें ऑनलाइन सपोर्ट और ऑनलाइन इंटरेक्शन की ज़रूरत है। सो हमसे ज़रूर रابطہ कीजिए ऑनलाइन हमारे फेसबुक। और आपसे किस तरह रابطہ कर सकते हैं सादिया वो लोग जो अपने रिश्तेदार, जैसे मेरी दादी थी वो अमृतसर से लाहौर आई, तो अक्सर जिक्र किया करती थी कि वहाँ जाके हमारे पुराने घर को देख कर आओ। उनको तो ये मौका नहीं मिल सका उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि तब ये वर्चुअल रियलिटी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब ऐसे बुज़ुर्ग या लोग जो अपने घरों से दूर हैं, इंडिया में छोड़ कर आए अपने घर, अब आपसे किस तरह रابطہ कर सकते हैं? जी, हमें बस एक मैसेज की ज़रूरत है, हमें मैसेज करें इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पर या हमारे ई मेल पर। सो थैंक यू सादिया, आप हमारे शो पर आई और वी विश यू वेल एंड आई होप के बहुत सारे लोग आपसे रابطہ करें, आपके प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें, आपको और लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिले इस प्लेटफॉर्म के तहत। एंड वी होप टू सी यू ग्रो, और इंशाल्लाह प्रोजेक्ट दास्तान पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ दी गई हमारे बुज़ुर्गों की, वो उनकी दास्तान बने और हम सबको हमेशा याद रहे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जब 8वीं सदी में मगरिब जहालत में डूबा हुआ था, तो इस्लामी दुनिया में बैतुल हिक्मा बना दिए गए। उस वक्त के अल बैरूनी, अल किंदी, हसन इब्न अल हशीम,
इब्ने सीना ने मॉडर्न साइंस की बुनियाद डाली, लेकिन फिर शायद हम साइंस में पीछे रह गए और बाकी दुनिया हमसे सबकत ले गई। लेकिन कुछ साल कबल जब डॉक्टर सबी अनवर पाकिस्तान आए तो उन्होंने एक अनोखे मेले की मिसाल कायम की, एक साइंस मेला जिसमें उन्होंने बच्चों को साइंस की तरफ मुतारिफ कराना शुरू किया। डॉक्टर सबी अनवर हमारे आज के मेहमान खुद भी एक मायानाज साइंसदान हैं और हमारी अगली नस्ल को साइंसदान बनाने का बेड़ा भी इन्होंने उठाया हुआ है, और हम इन्हें देख कर कहते हैं जियो तो ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। देखें, एक समाजी नारा जो हमारी जमहूरी रवायत में अक्सर इस्तेमाल होता है, रोटी कपड़ा मकान। अगर आप ये देखें कि आज 2 करोड़ बच्चे हमारे मुल्क में तालीम की नेमत से महरूम हैं, वो स्कूल जाने की उम्र में हैं लेकिन स्कूल जा नहीं पा रहे। आज से तकरीबन 70-80 साल पहले अल्लामा इकबाल ने जहां पंजाब के दहकान को, मफलूकुल हाल दहकान को खुशहाल बनाने का नारा लगाया और साथ ही साथ फिक्री इज्तिहाद का नारा लगाया, उससे भी 50 साल कबल पहले आप देखें जब मुसलमान मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा अबतर हालत में थे, उस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान भी उठे, उन्होंने मुसलमानों की मुआशी तरक्की का नारा नहीं लगाया बल्कि मुसलमानों की इल्मी और साइंसी तरक्की का नारा लगाया और एक साइंटिफिक सोसाइटी कायम की उस वक्त के हिंदुस्तान में। यानी पैगाम ये है कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो मुआशी अबतरी है, जो इक्तिसादी जबूं हाली है, उसका हल अगर आप बुनियादी तौर पर देखें तो हमारी इल्मी तरक्की में है, और इल्म का एक बड़ा हिस्सा साइंस कहलाता है, साइंस और टेक्नोलॉजी। साइंस क्या है? साइंस दरअसल अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अब इस कायनात की वसतों को समझने का और दरियाफ्त करने का नाम है, और फिर इस इल्म को टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने का नाम है, टिब का नाम है, अर्ज़ियात का नाम है, फलकियात का नाम है, लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाने का नाम है। तो हमने आज से 20-25 साल पहले एक तहरीक शुरू की, बिल्कुल उसी सर सैयद अहमद ख़ान की साइंटिफिक सोसाइटी की तर्ज पर, और हमने एक अंजुमन कायम की ख्वारिज्मी साइंस सोसाइटी के नाम से। ख्वारिज्म एक ईरान का एक इलाका है, और आप जानते हैं कि एक मारूफ मुसलमान रियाजीदान था 9वीं सदी में, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज्मी, जिसके नाम पर आज एल्गोरिथम्स है, जिसके नाम पर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये सारा की सारी इमारत खड़ी है, उसने अलजबरा इन्वेंट किया। तो हमने उस नाम से, उस कारनामे से मुतासिर होकर ये सोसाइटी बनाई, ख्वारिज्मी साइंस सोसाइटी। लेकिन हम माजी परस्ती का शिकार भी नहीं होना चाहते थे। इस सोसाइटी का बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि साइंस जो एक खुश्क मजमून समझा जाता है, और हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को साइंस की तरफ रागिब नहीं करते, साइंस किताबों में कैद है। हमारी ये कोशिश थी कि साइंस को इन किताबों से निकाल कर लोगों की आंखों के सामने पेश किया जाए, लोगों के हाथों में पेश किया जाए। तो ख्वारिज्मी साइंस सोसाइटी ने अपने ज़िम्मे ये बीड़ा उठाया कि हम बच्चों और नौनिहालों और असातिज़ा और अवामुन्नास तक साइंस को आम फहम, सादा, दिलनशीन और दिलकश अंदाज में पहुंचाएंगे। उसके लिए हमने कोशिश की कि हम स्कूलों का दौरा करें और स्कूलों में मुख्तलिफ तरीक़ों से साइंस को दिलचस्प और दिलनशीन अंदाज में लोगों तक पहुंचाएं। अब आप अगर आप तारीख का मुशाहिदा करें, आपको एक यहाँ एक तस्वीर नज़र आ रही है पीछे, आपके बाएं तरफ दरअसल तारीख के झरोकों में देखें तो ये दारा शिको, जो शाहजहाँ का बेटा था,
ये उसकी बारात की तस्वीर है और उसके पीछे आप देखें आपको आतिशबाजी नज़र आ रही है। तो मुग़लों के दौर में तफरी के लिए मेले सजते थे। दरमियान में जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 1860 में लंदन में एक साइंसी आलात की नुमाइश की तस्वीर है जिसमें एक बहुत बड़ी दूरबीन दिखाई गई है। आपके इस हाथ पर जो आखिरी तस्वीर है ये दरअसल एक वॉश बेसन की तस्वीर है जो अल जज़री जो एक मुसलमान इंजीनियर था मुहंदिस था उसने ईजाद किया। अब साइंस को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको किताबों की दुनिया से बाहर निकलना होगा और आपको ये करना होगा कि साइंस को तफरी के साथ मिला दिया जाए। हमारी पंजाब और पाकिस्तान की सकाफत में मेलों का जो किरदार है, मेले क्या हैं? मेले दरअसल ऐसे मवाके हैं जब हम लोग अपने दिन भर की कुलफतों से, अपने गम व आलाम से, अपनी मुआशी मजबूरियों से तंग आकर कुछ सुकून, कुछ तफरी, कुछ लम्हे खुशी में गुजारने के लिए मेलों का रुख करते हैं। तो ख्वारिज़्मी साइंस सोसाइटी ने ये सोचा कि साइंस और तफरी को एक साथ मिलाया जाए साइंसी मेलों के ज़रिए। साइंसी मेलों में लाहौर साइंस मेला ख्वारिज़्मी साइंस सोसाइटी का सबसे बड़ा एक इकट्ठ या एक इज्तिमा होता है हर साल अक्टूबर में। इस साल तकरीबन 35,000 लोग दो दिन के इस मेले की जीनत बने। अब साइंसी मेले में क्या होता है? ये नुमाइश नहीं है बल्कि ये एक अजायब घर है, एक चलता फिरता अजायब घर। इसके अंदर हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं बच्चों को, बड़ों को, असातिज़ा को, अवाम को कि हमारे कदमों के नीचे कहाँ क्या है, हम जहाँ खड़े हैं, कौन कौन सी मादनियात, कौन कौन से पत्थर हमारे पाँव के नीचे हैं। दूसरी तरफ हम ये दिखाते हैं कि हमारे आसमानों की वसतों में क्या है, हमारी ये जो कहकशां हैं जिसका हम हिस्सा हैं, इसमें कुल 100 अरब सितारे हैं और हमारी इस कहकशां की तरह 100 अरब कहकशाएँ इस कायनात में मौजूद हैं। अब उन कहकशाओं को देखने के लिए हमें दूरबीने चाहिए, तो साइंस मेले पे दूरबीने मौजूद होती हैं जिससे आप सूरज का मुशाहदा कर सकते हैं। एक मशहूर साइंसी मुबल्लिग या कम्युनिकेटर था कार्ल सेगन, उसने कहा था कि अगर आपका बच्चा एक दफ़ा दूरबीन के ज़रिए किसी सितारे या खला में मौजूद किसी जिरम फलकी को देख ले, किसी हेवनली बॉडी को देख ले, तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो यही हमारा मतमा नज़र है। साइंस मेले में दूरबीनें भी होती हैं, खुर्दबीनें भी होती हैं। दूरबीन से आप बड़ी चीज़ देखते हैं, खुर्दबीन से आप खुली या छोटी कायनात को देख सकते हैं। तो साइंस मेलों का मकसद यही है कि साइंस जो अभी तक किताबों में जिंदानियों की तरह कैद है, बंद है, उसे एक मुतहर्रिक तस्वुर के तौर पर लोगों के सामने पेश किया जाए। और यही हमारी ख्वारिज़्मी साइंस सोसाइटी का पैगाम है कि साइंस सबके लिए। बहुत सही, आपकी बातें सुन के लगता है कि पाकिस्तान में साइंस का फ्यूचर वाकई रोशन। आपने कहा था एक छोटा सा साइंसदान साथ लेके आना, तो एक छोटा साइंसदान हाजिर है, इसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अब बताइए इसके साथ क्या डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं? आपका क्या हाल है? देखते हैं आज मुस्तफ़ा कोई साइंस का कारनामा कर सकता है। वैसे आपका वज़न कितना है, उठा के देखते हैं। तकरीबन 25 किलोग्राम। अच्छा, ये 2 मन का एक ब्लॉक है, क्या आप इसे गिरा सकते हैं अपनी फूंक से? वो भी देखें, कोशिश तो करके देखो यार। चलें, लेकिन हम देखते हैं कि मुस्तफ़ा वाकई इस ब्लॉक को गिरा सकता है। वो कैसे, और वो भी सिर्फ अपनी फूंक से? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा आप उस तरफ जाएं, और आपको छोटा ब्लॉक नज़र आ रहा है, आप उस ब्लॉक पे फूंक मारें और देखें कि क्या बड़ा ब्लॉक जिसका वज़न 2 मन है वो गिर पाता है या नहीं। हाँ,
ज़बरदस्त, ये तो वाकई बड़ी एक अनोखी साइंस की डेमोंस्ट्रेशन थी जो मुस्तफ़ा ने दी, और मुस्तफ़ा शायद चाहता है इसको दोबारा करें, है ना मुस्तफ़ा? सभी इस तरह के छोटे छोटे साइंस के तजर्बात से आपने हमारी नई नस्ल को साइंस की तरफ दोबारा रागिब किया। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है कि अब हमारे नई नस्ल साइंसदान बने, साइंस की तरफ रागिब हो और पाकिस्तान साइंस में तरक्की करे जहां हम इतना पीछे रह गए हैं बाकी दुनिया से? मेरे ख्याल में हमें इन नौनिहालों पे, इन छोटे बच्चों पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि साइंस जो अभी खुश्क मजमून है, किताबों में बंद है, जकड़ी हुई है, कैद है, उसे किताबों से निकाल के हाथों में लाया जा सके। तो सभी शुक्रिया साइंस को किताबों से निकाल कर हमारे नौजवान नस्ल के हाथों में देने के लिए। आपका हमारे शो में आने का बहुत शुक्रिया। वी विश यू वेल एंड वी होप कि आपकी वजह से और आप जैसे और लोगों की वजह से पाकिस्तान में साइंस का मुस्तकबिल रोशन होगा। आज का शो यहीं ख़त्म हुआ। उम्मीद है दिस शो हैज़ इंस्पायर्ड यू टू डू मोर, बी मोर एंड अचीव मोर, बल्कि मोर से भी ज़्यादा। टेलीनॉर प्रेजेंट्स जियो तो ऐसे।